मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली इतना ज्यादा खतरनाक है। डू नॉट ओपन अनलेस यू आर डेड। क्या डरावना रास्ता है यार, अब ये कितना अंदर तक जा रहा है पता नहीं है। आई डोंट नो, आप लोग को वो वाइब आ रही है जो आज जो मैंने किया है वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सॉमिल सिटी रोड इन शेल्टन कनेटिकट इज द मोस्ट हॉन्टेड रोड इन द स्टेट। इसका मतलब ये है कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक रोड है। ड्यूरिंग द डे इट कैन बी क्वाइट प्रिटी बट एट नाइट द साइलेंस इज अननर्विंग। सम हैव रिपोर्टेड सीइंग ऑर्ब्स, हियरिंग स्क्रीमिंग फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस एट वंस। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग गूगल कर लेना। लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर लोगों ने परछाई देखी है एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक जाते हुए, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है सूरज ढलने के बाद। Hi guys, Onvir Diya, welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? तो अगर कुछ टाइम पहले आपने मेरा व्लॉग देखा था वो हॉन्टेड वाला, हॉन्टेड था नहीं बट जो रोड है ना वो हॉन्टेड है। और तब तो रात हो रही थी तो मैं गाड़ी से उतरा नहीं और आप लोग को मैं अच्छी तरह से दिखा नहीं पाया। बट आज मेरे पास थोड़ा टाइम था और मैं कनेटिकट में ही हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साथ में लेकर चलता हूँ और वो जो रोड है दिन के टाइम पे दिखाता हूँ। बट कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इन डिटेल वहाँ पर घूम सकूँ। बट मैं चाहता था कि मेरे सारे दोस्त आए मेरे साथ और फिर उनके साथ रात में आकर थोड़ी मस्ती की जाए वहाँ पर। दिन के टाइम पे कितने खूबसूरत लगते हैं देखो कौन खड़ा है इधर। और रात के टाइम पे यही रोड है ना जो आप लोग को यहाँ पर लेकर आऊँगा मैं, तब देखना कि रात के टाइम पर ये रोड कैसा दिखता है। घर देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी क्या है कि हैलोवीन का टाइम चालू है और हैलोवीन के टाइम में ना लोगों को ना अपने घरों के बाहर एकदम जो स्पूकी डेकोरेशन करना बहुत मज़ा आता है। स्केलेटन लगा के रखते हैं और भूतिया चीज़ें करते हैं। ये देखो मकड़ी की जाली बनाई हुई है यहाँ पर। ये देखो भाई थोड़ा हल्का हल्का डरावना सर उड़ाने लग गया यार, अंधेरे में रात को क्या फील होएगा। देखो भाई मजाक मस्ती एक साइड में होती है लेकिन सीरियस बातें एक साइड होती है। और ये जो जगह पर जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ना ये सीरियस बात है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं। और मैं कैसा हूँ कि मैं कभी भी उंगली नहीं करने जाता हूँ किसी चीज़ को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उंगली करने की आदत होती है, अरे यहाँ पर ये चलो वहाँ पर जाते हैं। पर पता नहीं बहुत टाइम से मैं अब थोड़ा अपना डर ना निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। बट फिर भी मैं अभी भी डरा हुआ हूँ क्योंकि रोड जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे ना पेड़ कैसा एक ऐसा और ऐसा होता है ना, अभी पेड़ ऐसे कवर हो रहे हैं देखो ऊपर। सच बात बताऊँ अभी एक माइल दूर हूँ मैं और मेरे पेट में ना ऐसा ऐसा ये एंटर कर दिया 100 मील रोड पे। और मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहे हैं और कुछ ऐसे नज़ारे हैं। और ये देखो अरे यार घर देखो, चल लग के दूसरा घर भी है और कुछ ऐसा नज़ारा है। मैं अभी कैमरा कंटिन्यू चालू रख रहा हूँ। अरे माँ कसम, आई डोंट नो आप लोग को वो वाइब आ रही है जो मुझे आ रही है बट मेरे बाल खड़े, मतलब मुझे गूज बम्स आ रहे हैं सीरियसली इफ आई टेल यू गाइस। आई स्वेयर यार क्या डरावना रास्ता है यार, अब ये कितना अंदर तक जा रहा है पता नहीं है। ये पेड़ देख क्या होता होगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा। पीछे मेरे जो घर है ना उसकी वाइब है यार। उतर तो गया हूं मैं, ये देखो बिलीव हो रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। 100 मील रोड स्टोन गार्डन कुछ तो है यहाँ पर, बट ये वाइब ही अलग है यहाँ की यार। ये घर देखो, ये चल भाई मुझे पसीना आने लग गया। इसलिए बोलते ना मजाक मस्ती जो लोग करते हैं ना इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, अपना लिमिट में रहो और लिमिट में ही काम करो,
है थोड़ी सी डरावनी है जगह ये, थोड़ी सी मुझे डर तो लग रहा है। ये जो वाइब है ना वो अलग है, क्योंकि एकदम सन्नाटा सा है, शांति सी है, और कहीं भी ऐसा मतलब किसी का ऐसा मतलब कोई झाड़ में से ऐसा कोई अगर जानवर भी चल रहा है या कोई भी पंछी भी उड़ रहा है ना तो डर लग रहा है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। और वो जो रोड देखा था आपने, ये जो पूरा रोड है, मैं पहले ट्रैवल करता था टेनेसी से अरकानसास मेम्फिस, बहुत लंबी ड्राइव होती थी, और एक रोड ऐसा होता था ना जो 25 से 30 माइल ऐसा ही होता था। जो मेरा कैमरा है और ये जो मेरा लेंस है ना, ये लो लाइट किंग है, मतलब अगर जब अंधेरा होता है ना तो उसमें भी ये ना उजाला कर देता है। तो मैं अभी जो मैंने रोड के शॉट्स लिए हैं ना वो मैंने नेचुरल इसमें लिए हैं, ताकि आप लोग को एग्जैक्टली पता लग सके कि कौन से रूट से मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ लोग वैसे चल रहे हैं, एक गाड़ी आई और दो लोग मुझे दिखे, और ये जो घर है इनके बाहर ना मुझे गाड़ी दिख रही है, घरों के बाहर क्या यूजली गाड़ियाँ रहती हैं, और अभी 7 बज रहे हैं तो लोग सो काम से वापस आने चाहिए, तो घर के बाहर भी यहाँ गाड़ियाँ नहीं। तो भाई 100 मील रोड से वहाँ से बाहर निकला ही हूँ, और यहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस है, मैंने गूगल में रिव्यू पढ़ा और मतलब अच्छे रिव्यूज़ थे, 527 या 28 रिव्यू थे, और यहाँ का मेरा साया था, अंदर नहीं जा रहा है। ये कुछ ऐसा हॉन्टेड हाउस है, बट यहाँ पर तो कोई है नहीं, अभी कोई भी नहीं है। ये देखो क्या बना हुआ है, लेजेंड्स ऑफ फियर। तो यूजुअली कैसा है कि गेम्स वगैरह में, मूवीज वगैरह में मैंने देखा है, बट ये जब खुद आकर विटनेस करते हो ना तो अलग ही वाइब है यहाँ की यार। लेजेंड्स ऑफ फियर। When do people come here? Friday? Saturday. And does it, is it a show here happening? Yeah, it's a big event, huge. Show? Like it's a big haunted hayride that people go on for half an hour. Okay. Or they walk the walking trail, which is... How long is that, the walk? It's about 40 minutes long. Sometimes the people are super fast. 40 minutes long? Mm-hmm. जो मैं लेडी से बात कर रहा था, उन्होंने बोला है कि वो जो पहले मैं उतरा ना वहाँ पर, वो ट्रेल है, एक पगडंडी है। देखो बाकी की बातें मैं आकर बताता हूँ, यहाँ से हिलना मत, मैं आता हूँ। आ गया मैं वापस सही सलामत। ये देख रहे हैं हॉलो ट्रेल, और 45 मिनट्स की वॉकिंग है, अंदर अंदर जाना है, और बहुत सारी डरावनी चीज़ें हैं वहाँ पर अंदर, और ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हुई हैं, मतलब ये जो लेजेंड्स ऑफ फियर है उनका। और बोलते हैं कि यहाँ पर ग्रुप में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, अकेला आदमी डर जाता है, और दो लोग भी गए हैं वो लोग भी डर गए हैं। सो अगर आप ग्रुप में हैं तो बढ़िया है। और क्या अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, और मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, ये डू नॉट ओपन अनलेस यू आर डेड, कॉफिन राइड्स 6 स्ट्रेट डाउन ट्रेलियां। ओ वो देखो वो चालू होता है वहां पर, माय गॉड। जो रोड है 100 मील रोड वो डरावना है ना, उसके बाजू में ही इन लोगों ने ऐसी चीज बनाई हुई है। ये लोग को भी दिमाग को मानना पड़ेगा यार। वाला रोड है ये, रोड स्टार्ट होता है यहाँ से 100 मील रोड जहाँ से मैं आया हूँ, और उसको लगकर ही ट्रेल यहाँ स्टार्ट होता है वो जो है।
ये रोड देख रहे हो, ये यहाँ पर दोनों में से एक सिलेक्ट करना रहता है शायद, या फिर एक जाने का एक आने का। भाई लेकिन मानना पड़ेगा, जो लोग ना ऐसी जगह पर आकर रहते हैं, जिनके घर है वहाँ पर होते हैं, मुझे पैसा दोगे, मुझे बोलोगे भाई काम मत कर यहीं रह, देखो सामने से पैसा देते फिर भी ना रहो। ये वही रास्ते हैं जहाँ से सुबह हम लोग गए थे। घर कहाँ गए? ये घर। ऐसा ऐसा फील हो जाता है रात को यहाँ पर। ये देखो सुनसान बियाबान। देखो आप लोग कमेंट करना और बताना कि वो जो ट्रेल थी वहाँ पर मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। खांसी। तो अपनी प्रथा को पूरा करते हुए मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स है जो पढ़ता हूँ हर वीडियो में। सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट्स से पढ़ लूँ, और उसमें से मैंने देख लिया था कि कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स थी उसमें है। घूमने चलो का कमेंट है, हाय हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए, इज आवर टैग लाइन इन एवरी वीडियो। सो आई वुड से जय श्री राम रोहन भाई, आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर माई कॉमेंट फ्रॉम द लास्ट वीडियो टू फीचर इन दिस वीडियो। तो भाई थैंक यू सो मच, जय श्री राम तो हमेशा है बट वो आदत सी पड़ गई है कि हाय गाइस रोहन वर्दी है वेलकम टू माई चैनल, बट हाँ जय श्री राम क्यों नहीं जय श्री राम। मैं आज जिम में सोच रहा था कि मैं भी वो वाला चैलेंज है ना जो अंकित भाई का, राम राम जी सारण, वो वाला करूँ, क्योंकि मैं मतलब मैं बीमार हूँ खांसी वासी, फिर भी मैं जिम जाना नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि बीमारी में स्टार्ट करता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि बात नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है SPD159, रोन ब्रो लास्ट सॉल्यूशन फॉर नॉर्मल कॉफ थोड़ा पानी और बेस्ट क्वालिटी ब्रांडी। भाई ये काशी की जगह कितना और पहुँच जाऊँगा ब्रांडी पीकर, बट फिर भी ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। और एक कमेंट है PK Shorts, रोहन भाई थैंक यू एंड अ रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ गो एंड मेक अ वीडियो ऑफ स्टैचू ऑफ इक्वालिटी विच इज़ इन मेरीलैंड। ये पता नहीं, मैं मेरीलैंड इतने साल रहा हूँ बट मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं था कि ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू वहाँ पर इतना बड़ा है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा। प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करते रहना। और पता है जब भी हम लोग इंडिया में कैसा बोलते हैं, जब भी आप शमशान घाट जाते हो या फिर डेड बॉडी को हाथ लगाते हो, तो आप अगर घर पर आते हो तो आपको नहाना चाहिए। वैसे ही ना अभी मुझे फील हो रहा है कि वो जो मैंने कॉफिन उठाया था ना, तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जो कॉफिन उठाया था ना, तो जाके नहा लूँ। इन्हीं हाथों से मैंने उस कॉफिन को उठाया था। यहाँ ShopRite आया हूँ थोड़ा सा हेल्दी खाना लेने के लिए। हेल्दी खाऊँगा तो हेल्दी रहूँगा। सच्ची आप लोगों को एक बात बताऊं, जो स्टार्टिंग का जो गूगल का पार्ट था ना, वो मैंने अभी देखा है और मैंने वो स्टार्टिंग में डाला है, और मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, सच में बहुत गालियां पड़ने वाली हैं मेरी मम्मी से, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी जगह पर तो मैं कभी नहीं जाता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा खतरनाक रहेगा, कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है वहाँ पर, लोगों को परछाइयाँ दिखती हैं। और ऐसा है कि यार मैं तो मतलब मैं खुद ही बोल रहा था कि मैं मतलब उंगली करते हैं लोग, उंगली करते हैं और मैं नहीं करता हूँ, बट मैं ही उंगली करने चला गया। बट मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली इतना ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले जो मैंने सुना था, मतलब मैंने सुनी सुनाई बात पर गया था कि वो हॉन्टेड रोड है, खतरनाक है, बट अब जब मैंने लिंक पढ़ा है ना इन डेप्थ में जाके, क्योंकि वहाँ जाकर आया हूँ मैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा डर लग रहा है। घर पे आया हूँ और मैं जहाँ पर रहता हूँ वो जगह ऐसी है ना कि बाहर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा रात के टाइम में। सुबह के टाइम पे मस्त है एकदम, ऐसा लगा कि यह फ्रेश हवा है, फ्रेश एनवायरनमेंट है। रात के टाइम पे उसका अलग ही वाइब है, अलग ही फील। बट ये तो मैं जाकर आ गया अभी और ब्लॉग एडिट भी कर दिया, बना भी दिया। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा दोबारा तो दोस्तों के साथ जाऊँगा। रात को जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। और ये अमेरिका है, घर बाहर से इतना दूर यहाँ पर रहता हूँ, काम करता हूँ, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ मुझे करना चाहिए। मैंने ये चैनल बनाया एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, यहाँ अमेरिका में मेरी लाइफ कैसी है, और मैं
जगह जगह पर जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ अमेरिका के बारे में, और ये मेरा पैशन भी पूरा हो रहा है फिल्म मेकिंग का। बट आज जो मैंने किया है वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। यस, नए मेरे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करके आना, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू, एंड प्लीज बी सेफ। मम्मी ने देखा गाली पड़ेगी, ये तो होना ही है।